खरीदारी के लिए लोगों से भरा रहने वाला चंबा के चुराह का नगरोड बाजार आज वीरान सा हो गया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश भर में सड़क किनारों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश भर में पीला पंजा चला और प्रदेश में हर तरफ राष्ट्रीय मार्गों के साथ अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। वहीं जब चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के नगरोड बाजार में प्रशासनिक अमला अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचा तो दुकानदारों ने आपसी सहमति से अतिक्रमण को स्वयं हटाने की बात को माना, जिस कारण पिछले कुछ दिनों से ये दुकानदार स्वयं द्वारा किए अतिक्रमण हटाने में जुटे हैं। दुकानदारों का कहना है कि माना उनकी दुकानें अवैध है, लेकिन रोजगार की कमी के कारण उनके द्वारा पिछले लगभग 35 वर्षों से यहाँ पर 100 के लगभग दुकानें स्थापित की गई थी और 500 के लगभग परिवार इन दुकानों से अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं दुकानें हटाने के बाद उनके लिए गुजर बसर एक चुनौती बन गया है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के साथ उनकी दुकानों को हटाना चाहिए था। यहाँ पर 100 के लगभग दुकानदार हैं और उनकी फैमिली जो भी इसी काम पर डिपेंड थी, उनका रोजगार था और साथ में उन लोगों के साथ साथ में कर्मचारी लोग भी थे, नौकर भी थे। कहने का मतलब लगभग 500 फैमिली जो इससे प्रभावित हुई है। अगर ऐसा ही सरकार ने करना था तो कुछ समय पहले कर दी, तो उससे हमारा लोगों का जो होता नुकसान होने से बच सकता था। ये प्रशासन को तो प्रशासन भी तो हमारा ही है, जनता के लिए होता प्रशासन, ना कि जनता को कुचलने के लिए होता है। तो मैं प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि हम लोग जो यहाँ प्रभावित हुए हैं उनको कहीं वैकल्पिक स्थान दिया जाए जहाँ उनकी रोटी रोटी जो है वो चल सके, ये हम भरपूर मांग करते हैं। और माने राज्यपाल से भी मांग करते हैं और अपनी केंद्र सरकार से भी, जो हमारे संबंधित MP हैं श्री कृष्ण कपूर जी और माननीय दूरसंचार मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, कि वो कम से कम हमारी कुछ तो सूद लें कि भाई हम भी उनके लोग हैं, उनके वोटर सपोर्टर हैं, यहाँ के नागरिक हैं। पर नसोड़ के निवासी 30-40 साल से अपनी जो है आजीविका कमा रहे थे। 12वीं तक हमने पढ़ा है, सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण हमने जो है अपनी रोजी रोटी का यहाँ साधन बनाया। तो हमने सरकार का और प्रशासन का और माननीय उच्च न्यायालय का जो है सम्मान करते हुए जो है हमें अपना आशियाना जो है वो तोड़ना पड़ रहा है। तो आइंदा हमारी सरकार से, प्रशासन से, माननीय हाईकोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी कोई भी ऐसा फैसला अगर आता है तो उससे पहले जो है वहाँ पर जो है गुजर बसर करने वाले जो लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके बारे में कम से कम सोचना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी का एक गाना है कि दिन का चुनकर हमने आशिया अपना बनाया था, तो आज जो है जो आशिया हमारा है वो लूट चुका है। हमारे लिए रोजी रोटी का जो है वो संकट जो है सामने है। आइंदा जो आने हमारे जो बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनकी फीसें जो है हम दे रहे हैं, आइंदा जो है जो हमें जो है अपने बच्चों की फीसें और जो है अपने परिवार को पालने का हमारे को जो है एक संकट हमारे सर के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर एक दो नहीं लेकिन हजारों लोग जो है जो यहाँ से रोजी कमा रहे हैं। 120, 25 या 30 दुकानें यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें जो है लगभग 400 नौकर जो है 200 नौकर जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक बड़ा बाजार है, टैक्सियाँ यहाँ पर आती हैं, जो है गाड़ियों का काम यहाँ पर है, कोई पिकअप है, बुलेरो है, कोई भी ऐसी माल गाड़ी है, उनका भी जो है रोजी रोटी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर खाली जो है किसी दुकानदारों का या रोजी रोटी कमाने दुकानदारों का मसला नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे मसला जो है ये हजारों हजार लोगों को बेरोजगार होने का मसला खड़ा हुआ है। इसलिए मेरी जो है माननीय हाईकोर्ट से, प्रशासन से और तमाम जो भी आला अधिकारी हैं उनसे जो मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो है ये आइंदा जो है ऐसा फैसला करने पर जो है पुनर्विचार किया जाए, उनका या जो है उनके पुनर्वास की पहले व्यवस्था की जाए, उसके बाद जो है ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जाए जिससे कि हजारों लोग बेरोजगार ही नहीं लेकिन आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए।
सरकारें जो है सरकारों को भी ऐसे जो है फैसले लेने से पहले माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी है उनको जो है आदेश या गाइडलाइन देनी चाहिए कि जो आप फैसला कर रहे हैं। और इसी दुकान से सर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था सर, और कोई साधन नहीं है सर, बच्चों के लिए कोई आगे नौकरी नहीं है, कोई न्याय इतना पढ़ा लिखा नहीं था सर, बस ऐसे दुकानदारी पर अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहा था सर। अब नेक्स्ट तो एक तरह से तो सरकार कहती है कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं होगी, तो चलो मतलब इसी हिसाब से कि चलो कहीं अपना रोड साइड मतलब थोड़ा माड़ा मोटा अपना बिजनेस करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और वहाँ से भी हमें मतलब भगा रहे हैं, तो आगे तो हमारे पास यही चारा है सर, मतलब अब हमने तो अपने परिवार को पहले जहर देना पड़ेगा फिर खुद जहर खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स तो है नहीं जी। अब बच्चों को मतलब आपको पता है महंगाई का जमाना है जी, कैसे मतलब उनका पालन पोषण किया जाए, हमारे पास तो कोई साधन नहीं रहा है इस दुकानदारी के अलावा, तो अभी हमें तो पहले परिवार ही को मतलब करना पड़ेगा।